हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम डी सी लर्निंग स्टैंडर्ड एफ आई बी कॉम सब्जेक्ट ई बी एस चैप्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक फूड सिक्योरिटी इन दिस फूड सिक्योरिटी वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द फूड इज शुड बी सप्लाइड एंड हाउ इट शुड बी हैविंग सिक्योरिटी ओके जैसा जैसा कि पॉपुलेशन हर हर डे इंक्रीज़ होते जा रहा है ओके तो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता होता है उतना प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है ओके अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना है तो उसके लिए बहुत सारे क्लॉज़ेस है उसके लिए बहुत सारा चीज़ें जिसको फॉलो करना चाहिए ओके देन ओनली दिस काइंड ऑफ फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज़ और जैसा फ़ूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा उतना ही वो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उतने लोगों को खाना मिल सकता है ओके okay? और जितना फास्ट फूड सप्लाई हो सकता है उतना फास्ट फूड सप्लाई होगा तो uh, जितना लोगों को जाके पहुंचना चाहिए फूड उतने लोगों को जाके वो फूड पहुँच पहुँचेगा ओके okay? फूड प्रोडक्शन कुड भी इंक्रीज ट्रू आउट द वर्ल्ड इन टू बेसिक स्ट्रेटेजी इंक्रीज अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन इंक्रीज द ईल्ड पर यूनिट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन जितना ज़रूरत होता है उतना कल्टिवेट करो या इंक्रीज पर यूनिट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन ओके सो दिस काइंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बहुत लोग लाए थे फॉर एग्जाम्पल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन एटी थ्री में हुआ था उसने डिफाइन किया था इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल टू टेक ऑल टाइम हैव बोथ फिजिकल एंड इकोनॉमिक एसिस टू बेसिक फूड दे नीड ओके द बेसिक फूड दैट दे वॉन्ट दे कैन डे नीडिड this is was one of the concept second is world development report 1996 uh, in that assist by all people at all time to enough food for an active healthy life okay and there was another STAS 1990 it's an ability to assure on long term basis that the food system provides a total population access to a timely ओके okay. तो so, ये ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर आए उसके उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किया है मेन स्टेप इज़ द बेसिक फूड बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड तो जब एक ह्यूमन बीन को सर्वाइव करना है ये दुनिया में तो उसको बेसिक नीड इज अ फूड ओके तो उसको क्वांटिटेटिव एज वेल एज़ क्वालिटी फूड मिलना बहुत ज़रूरी है

फर्स्ट जो बेसिक फूड है वो मिलना चाहिए फिर उसका सेकेंड जो बेस फूड है नेसेसरी है वो मिलना चाहिए थर्ड ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्जांपल मिल्क उसका फर्स्ट नीड है वो मिलना चाहिए फिर उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसके बाद उसको एग्स मीट ये नॉन वेजिटेबल नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मीट ये सब चीज़ें मिलना चाहिए दिस इज स्टेप बाय स्टेप बट एटलीस्ट उसको सरवाइव करने के लिए कुछ तो फूड मिलना चाहिए यस yes, तो उसके लिए बहुत सारे क्लॉज निकले थे उसके लिए बहुत सारे राइट टू फूड निकला है क्यों ये सब आया था क्योंकि दिस वाज द मेन थिंग टू ब्रिंग अप टू दिस कंट्री

they're influenced by a range of factors, real and imagined of which the most important is price of the oil okay the outcome of this price may process over 75 developing countries who are the net importers of the food okay world's important determination trade activity is price stability raka food ka. ओके एंड फूड का प्राइस स्टेबिलिटी कैसा बनता है मेन इम्पॉर्टेंट प्राइस इज़ ऑयल का प्राइस कैसा है उसके हिसाब से फूड का प्राइस बढ़ता है कम होता है uh... अगर फूड प्राइस है पुअर uh, कंट्रीज़ में तो क्या होता है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है पुअर कंट्रीज़ है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कुछ भी क्रॉप्स को ग्रोथ uh, करके उधर डम कर सकते हैं ऐसा भी होता है बट इट इज़ नॉट दैट मच मैंडेटरी बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल सोशल स्टेबिलिटीज इन पुअर कंट्रीज बिकॉज ऑफ poorest पीपल लिविंग इन द फूड देश शुड गेट Good food, at least the food which can fill their stomach. Then we have world trade rules. The world trade rules determine to support the dominant profile of small family farms along with. Uh, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये मेन वर्ल्ड ट्रेड रूल्स इसीलिए आया था कि ऐसा रूल रखो कि uh, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे कंट्रीज उस उन लोगों को भी गुड uh, फूड मिले क्योंकि क्या होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डोमेस्टिक कंट्रीज़ को अपना uh, चीप फूड को इम्पोर्ट कर देता था और डम कर देता है वो कंट्री में विच इज़ वेरी बैड बट इट हैपन्स सो वर्ल्ड ट्रेड रूल्स क्या है कि गुड फूड को सक्सेसफुली और सक्सेसफुली एज वेल एज सेल्फलेस फूड को रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करो एंड इट शुड बी स्प्रेड टू ऑल द कंट्रीज दैर मैनी क्लाइमेटिक चेंजेस ओके we cannot predict the climate, okay? because rich country is in a temperature zone will benefit from the higher crop yield, yes? जो जिसके अच्छे से आह uh, benefit है, uh, high temperatures hai climatic condition good है, तो उसको ultimately उसका crop अच्छा ही रहेगा और जब उसका crop अच्छा है, तो ultimately उसका benefit उसको अच्छे से मिलेगा पूरा country में हाई टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन विल शॉर्ट इन द ग्रोइंग सीजन ऑफ staple crops which is very वेरी इफेक्टेड क्रॉप्स विच इज़ अ क्रॉप इच के नॉट ग्रोप ऐसा उन लोगों सिचुएशन सिनारियो आएगा नहीं क्योंकि उनका टेम्परेचर ही वैसा है उनका क्लाइमेटिक uh, लेवल ही इतना अच्छा है कि उनको अच्छे से अच्छा क्रॉप मिलता है देन वी हैव

ओके okay? क्योंकि उसका प्राइस वैल्यू हाई रहता है क्योंकि उसका रूल्स रेगुलेशंस डिफर रहता है क्योंकि उसका क्लाइमेटिक चेंजेस इफेक्ट होता है वो बायोफिल्स का इफ़ेक्ट देता है और वो नेचुरल कॉजेस के वजह से भी कभी कभी फूड इनसेरिटी हो जाता है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मेनी थिंग बट एटलीस्ट वी कैन मेक द थिंग्स टू बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम एटलीस्ट वो इनसेरिटी तक नहीं आना चाहिए अपना और अभी भी इंडिया में बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल है स्टिल गो टू बेड विदाउट हैविंग द फूड ओके उधर प्राइस राइजेस होने दो कुछ भी होने दो पावर्टी लेवल भी होने दो पर भी उनको ये डिफ़िकल्टीज उनको ज़्यादा होता ही है पर ये सब लेवल में लाना है तो बहुत सारा चीज़ें उनको वर्कआउट करना पड़ता है उनका बहुत सारा सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है और वो सॉल्यूशन है कि वो सस्टेनेबल Solution and vital humanitarian role in the country should be provided, and many crops should be grown already, which we have uh, seen earlier. But a uh, crop should grow more and more so that these kind of people not go to bed without having the food. Uh, for example, development strategies and macroeconomic policies create condition for the growth with equity promoting rural development that focus on the poor improving access to the land and other natural resources providing cheap credit for the poor household increasing employ employment opportunity stabilizing the food supplies and food prices improving emergency preparedness planning for providing food aid during natural disaster like drought flood earthquake etc what is this let us understand this first इंडियन में बहुत सारे प्लान किया है कि पुअर टू पुअर पीपल तक फूड पहुंचना है उसके लिए बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड में गवर्नमेंट ने अप्रोच करने का हेल्प किया है फ़ॉर एग्जांपल अगर फूड बच्चों लोगों तक पहुंचाना है तो गवर्नमेंट uh, स्कूल्स में फ़्री फूड प्रोवाइड करते हैं फ्री फो रइस प्रोवाइड करते हैं हर एक विलेजेस में पीपल आर वेरी पोअर और दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन यस अगर आप पहला पॉइंट uh, देखेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट कुड क्रिएट कंडीशन फॉर द ग्रोथ विथ इक्विटी इतना सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका कंडीशन डिफर होगा अलग हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं ओके ग्रोथ इन फूड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में ग्रोथ होना चाहिए फिर डायरेक्ट सोर्स फॉर फूड एंड इनकम विच पीपल कैन बाई द फूड अभी बहुत सारे लोग हैं जिसका बहुत सारे इंटरव्यूज अपन देखे हैं जो लोग आ, आई टी में काम किए थे फॉरन में काम किए थे कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा अपना गाँव में तो भी उन्होंने बैक टू एग्रीकल्चर किया नाउ दे आर नॉट गोइंग बैक टू द प्लेस वेर दे आर गेटिंग मोर सैलरी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग वेन वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू दिस एग्रीकल्चरल वर्क एन इट इट बिकम्स मोर इजी एंड एजुकेटेड पीपल अगर वापस जाके वो करते हैं एग्रीकल्चरल वर्क करते है तो अल्टीमेटली गुड प्रोडक्शन लाने के लिए देखेंगे क्योंकि वी वी थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट वर्क ओके देन वी हैव प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट दैट फोकस ऑन पुअर येस रूरल डेवलपमेंट मैनी टाइम गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूज द लोन इंटरेस्ट रेट और एल्स रिड्यूस भी नहीं उसको वेव ऑफ भी किया है कि आप लोग आपको लोन भरो मत पर आप अच्छे से खेती बाड़ी करो ओके देन इम्प्रूविंग एसेस टू द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए सीखना चाहिए एग्रीकल्चर वर्क में एंड uh, बहुत कम क्रेडिट इंटरेस्ट लेकर क्रेडिट देना चाहिए बहुत पुअर पीपल को इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड मैनी स्कीम्स ऐसा है अभी भी है बहुत सारी स्कीम्स है जो फॉलो करते हैं पर वो स्कीम्स पब्लिक uh, तक पहुँचना चाहिए पब्लिक पहुँच के उसको और फॉलो अप करना चाहिए दैट इज़ इम्पोर्टेंट देन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इतना अच्छे अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो लोग उधर जाके काम करने के लिए खुशी खुशी में जाके काम करेंगे यस वेरी फ्यू पीपल गो एंड स्टडीज दिस एग्रीग्रेट वर्क ओके वेरी फ्यू पीपल एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं इंपॉर्टेंस है और बहुत कम बच्चे जाके उसके बारे में पढ़ते हैं पर वो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर समझो ऐसा सिचुएशन फ्यूचर में नहीं आना चाहिए जो अभी अपना पैंडेमिक सिचुएशन चालू है पर अगर फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आ रहा है देन वी कैन गो बैक टू आवर विलेज एंड वी शुड नो दैट नॉलेज इज बेटर ना ओनली विल प्रैक्टिस लिटिल बाई लिटिल नॉट मैनी थिंग्स एटलीस्ट वन फील्ड एक खेती में तो बैठ के अपन अपना थोड़ा तो उसके पीछे काम करें ताकि फूड प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकता है और जो गांव में लोग हैं वो उन लोगों को भी फूड मिल सकता है अगर अपना ही खेती में अच्छे से अच्छा फूड प्रोडक्शन हो रहा है देन इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड हेल्पफुल एंड इसकी वजह से एक ज़माना था अपना इंडिया में जिस ओनली फॉर एग्रीकल्चर वी वर वेरी रिच कंट्री okay We know how to produce we know how to use the land properly but now day by day day by day value but I hope one or day it will come further with a good uh, back okay and supporting them is the main important uh, thing so that food can be secured. Food can be survived for a long time and food can be given to each and every people, not only in India, but all over the world. Mm. Then uh, maintain the stock properly so that when it uh, price rises, so that people can get that food with less amount. If there is flood, a gaya hai, drought, a gaya hai, earthquake, a gaya hai, uh, without... Uh, knowingly it comes yes or no or without knowingly it comes we should be prepared for that we should have that much security food so that uh, people can survive in this world okay as we are developing country we are, have more uh, perfect things as an agriculture in our hand we should keep good food for everyone thank you